गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने कल पढ़ते अवसर पढ़े थे। आज पहले तो मैं आपको छुट्टी के लिए या बीमारी के लिए अपने से लिखवाती हूँ प्रार्थना पत्र, और फिर अपन मुहावरे लिखेंगे। और इस प्रार्थना पत्र में अपन लिखते हैं कि रात से मुझे बुखार, आज मैं नहीं आ सकता या कल से है। तो ऐसे में लिख करके अपन को डेट लिखनी है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक अपन को छुट्टी लेनी है। तो देखो हमने लिख दिया आपको, और जो एड्रेस है वो अपना एक ही साइड में आना चाहिए। पहले क्या करते थे, सेवा में यानी कर एड्रेस इधर लिखते थे, नाम उधर लिखते थे, बीच में अपना वो आ जाता था अपन को जो भी काम के लिए छुट्टी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो गया है, रूल चेंज हो गए, पूरा एड्रेस एक ही साइड में लिखना है। ठीक है, तो यही से मैं लिखना शुरू करती हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन स्कूल का नाम, सरस्वती विद्या मंदिर चंद्रमा। ये होगा अपना स्कूल का एड्रेस। अब है यहाँ पर विषय लिखोगे, किस लिए अपन को लिखनी है, तो यहाँ जाएगा विषय, बीमारी के लिए अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। ये हो गया कि पता चले कि हम किस लिए ले रहे हैं। फिर है महोदय यानी महोदय जी, ये हो गया। अब इसके जस्ट यहां से अपन शुरू करेंगे, निवेदन नम्र निवेदन है कि नम्र दल है कि मैं कि मुझे कल से बहुत तेज बुखार है, इसलिए या यहां से लाइन शुरू करिए, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। अतः आप मुझे मुझे 11/5/2020 से 13/5/20 तक अवकाश प्रदान करें। ये इस तरह से अपना हो गया। फिर यहां पर अपन साथ में ही धन्यवाद लिख देंगे, उसके बाद में यहां लिखेंगे आपका आज्ञाकारी
शिष्य या शिष्या जो भी है आप शिष्य या शिष्य जो भी है नाम आ जाएगा जो भी आपका है कक्षा जो भी इस तरह से अपन को लेकिन ये डेट वाली बात आप ध्यान में रखना और ये आपका है वो सब प्रार्थना होते हैं अब अगला टॉपिक अपने मुहावरे मुहावरे दो या दो से अधिक शब्दों का सामान्य अर्थ न प्रकट के दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के सामान्य अर्थ प्रकट न करके क्या करते हैं विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के समूह साधारण अर्थ प्रकट नए करने के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते और इन मुहावरों को देखो अपने घरों में भी सामान्य भाषा में प्रयोग में लिया जाता है जैसे आप दिखा रही हूं आपको आंखों का तारा तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा बहुत प्यारा नौ दो ग्यारह नौ दो ग्यारह भाग जाना भाग जाना आग में ही डालना आग में डालना कई बार आपस में लड़ते हैं तीसरा आदमी आगे बीच में बोल जाता है तो अपन कहते घी इसने आके आग में घी डाल दिया यानी गुस्से को और अधिक बढ़ावा देना गुस्से को या बात को अधिक बढ़ावा देना घी के दीपक जलाना खुशी मनाना तीन तेरह होना बिखर जाना लोहे के चने चबाना कठिन परिश्रम करना यानी संगठन में शक्ति होती है एक पंथ दो काज एक पंथ दो काज दोहरा लाभ होना
अपना तैयार रहना, ठीक है। फिर आपका टेडी खीर होना कठिन कार्य, कठिन कार्य होना। फिर आगे है आपका आकाश से तारे तोड़ना, आकाश से तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना है, असंभव कार्य करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, कई दिनों बाद दिखाई देना या कई दिनों से दिखाई देना, कई दिनों बाद दिखाई देना, ईंट से ईंट बना देना, ईंट से ईंट बजा देना, समूल नाश करना, समूल नाश कर देना। फिर आपका इसे बदलना, फिर है व्यर्थ भटकना, मारा मारना फिरना, मारा मारा फिरना, व्यर्थ भटकना, व्यर्थ भटकना। दाल में काला होना, कुछ संदेह होना, कुछ संदेह होना। फिर आपका एक लाठी से सबको हाँकना, गागर में सागर होना, कम शब्दों में, कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना। ये हो गया आपका मुहावरा।